नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तौल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज समेत चुकाने के लिए मरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 1 जून दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 1 जून 2021 दिन मंगलवार, आज की तिथि है सप्तमी, आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:23 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:14 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा और आज का अशुभ समय है सुबह 8:09 से सुबह 9:05 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7, शुभ रंग है सफेद, केसरिया और नीला। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चारक नीति ज्ञान के बारे में। चारक जी कहते हैं कि प्यार के मामले में कभी असफल नहीं होते ये पुरुष, आइए जानते हैं। आचार चारक धर्म नीति, कूटनीति और राजनीति में पारंगत कौटिल्य जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। आचार्य ने दुनिया भर को अपने ज्ञान से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आचार्य ने सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव दुनिया में साझा किए, बल्कि उन्होंने आम मानवीय व्यवहार, स्त्री पुरुष, गुण दोष और भावी संकटों की पहचान करने के संबंध में तमाम ऐसी गूढ़ बातें बताई हैं जो आज के समय में काफी यथार्थ के काफी करीब जान पड़ती हैं। जानिए किस तरह के पुरुष प्रेम विवाह आदि संबंधों में हमेशा सफल होते हैं। उन्होंने प्रेम विवाह आदि के संबंध में 4 बातें अहम बताई हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, पराई स्त्री पर बुरी नजर ना डालने वाला। आचार्य चाणक्य कहते हैं यह गुण सर्वोपरि है, जिस पुरुष में यह गुण पाया जाता है उसका संबंध कभी टूटता नहीं। जो व्यक्ति अपनी प्रेमी या प्रेमिका के अलावा किसी अन्य स्त्री की वासना की नजर से नहीं देखता है, किसी भी पराई स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वह अपने संबंध को बचाने की हर मुश्किल की कोशिश हल करता है, इससे उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। नंबर 2, जो करे स्त्री का सम्मान। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जो पुरुष हर स्त्री का सम्मान करे वह सभी को सम्मान की नजरों से देखे, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका आदि को सम्मान देता है, उसका महत्व समझता है तो उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। नंबर 3, शारीरिक सुख। आचार्य चाणक्य कहते हैं विवाह संबंधों में शारीरिक सुख और संतुष्टि की जरूरत हुई होती है, इसलिए ऐसा पुरुष जो भौतिक और भावनात्मक सुख के साथ साथ अपने जीवन साथी को शारीरिक सुख और संतुष्टि भी प्रदान करता है, उसकी पत्नी उससे हमेशा प्रसन्न रहती है। प्रेम का या पत्नी को फूल समझकर उसका स्पर्श करने वाले पुरुष को हमेशा सफल होते हैं। नंबर 4, सुरक्षा का एहसास। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपनी प्रेम का पत्नी को सुरक्षा का एहसास कराए, उन्हें अच्छा माहौल दे, वहां पर कभी भी प्रेम कम नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हर स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि देखती है, अगर आप उनके साथ सुरक्षा का व्यवहार करते हैं तो वह निश्चित होकर आपके साथ रहेगी। दोस्तों आपको चारक नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। आपको बच्चों के साथ कुछ समय बिताने, उन्हें अच्छे संस्कार देने और उनके जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। सिर्फ स्पष्ट समझने के माध्यम से आप अपनी पत्नी या पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। अपनी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों को दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। जो भी आपसे मिलें उनके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें, बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आपके आने वाले दिनों के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है।
साथ ही साथ आपको बताएं, आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून का अनुभव और खुशी लेकर आएंगे, नहीं तो आपका दिन बुझा बुझा और दौड़ भरा रहेगा। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के कारण आप उनसे माफी मांगे तो आपके लिए सही होगा। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें, आपके लिए सही होगा। साथ ही आपको बताएं, जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके काम काज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। माता का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, आज कुछ खास काम निपटाने में आप सफल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित उचित डील हो सकती है, खर्च ज्यादा होने की संभावना है। धन प्राप्ति का कोई नया रास्ता भी दिखाई देगा। अपनी भावना पर कंट्रोल करें तो फायदा होगा। आप किसी छोटे से कोई नई बात सीख सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी। परिवारजनों के साथ आप बैठकर बातचीत करें तो आपका तनाव कम हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए इनकम सोर्स मिलेंगे जिनसे आपकी आय बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात और बातचीत होने के योग बन रहे। आप थोड़े बातूनी और लाजवाब भी हो सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, किसी को प्रेम प्रस्ताव भेजना चाहते हैं तो भेजें, सफलता मिल सकती है। किसी अपोजिट जेंडर से आज आप मन की बातें शेयर कर सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, कोई बड़ा रोग हो सकता है। परहेज के मामले में सावधानी रखें तो आपके लिए सही रहेगा। साथ ही स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है। आपकी प्लानिंग सफल होने के भी चांस बन रहे हैं। बिजनेस संबंधी कानूनी विवादों का निपटारा हो सकता है। आपके लिए बिजनेस भी फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो दोस्तों आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा व शॉपिंग को लेकर कानासुनी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रयास से स्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचरण रखना ही आपके लिए सही साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। आपका प्रियतम ही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों गैस व एसिडिटी से आपको परेशानी रह सकती है। खान पान में संयम रखें, व्यवस्थित दिनचर्या रखने की आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपका स्वास्थ्य मौसम के बदलने से थकान व कमजोरी महसूस होगी। जी आपको बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे।